है। तो देखिए मैं आप लोग की चीजें बताऊं, आज मैं 7 बजे वाले सेशन में भी बताया, ऑब्जेक्शन दो प्रकार से आता है। पहला, आपका स्टार्टअप किस तरह से है। अगर आपका स्टार्टअप गलत तरीके से, ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आएगा। स्टार्टअप सही होगा, ऑब्जेक्शन कम आएगा। पॉजिटिव तो मैं थोड़ा सा ही ऑब्जेक्शन, करा था मेरे को, और देखा तो सही है कि कोई भी नया प्रोग्राम आता है ना, तो ये हमारे चांस ही होता है कि माइक ऑन हो चुका है गुरुदेव। अगर नए टोकन पे आएगा तो X3 X4 भी दुकान बंद ही हो जाएगा। सर आपका माइक ऑन है सर, प्रोफेसर सर आपका माइक ऑन है, आवाज आ रही है। चलेगा चलेगा, कोई ना। तो एक चीज समझिए, स्टार्टअप किस तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी स्टार्टअप बेहतर होगा तो अच्छा है। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ सभी लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा कम है, सीख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया का। आप कभी भी बैठे तो मेरी तरह बैठे। मेरी तरह मतलब क्या है, मेरा आप चेहरा देख सकते हैं, पूरा क्लीन साफ दिख रहा है। आप लोग के जितने भी कैमरा, लाइट पीछे लगा है, नहीं, लाइट सही दिशा होनी चाहिए, सामने की ओर। आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन दिखना चाहिए, साफ सुथरा चाहिए, साफ ड्रेस चाहिए, थोड़ा पाउडर लगा लो, चेहरा चमकना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज है, अगर आप इस तरह प्रोफेशनल बैठते हैं ना, तो सामने वाले के भी लगता है मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, और ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करें। तो स्टार्टअप क्या होती है उसको समझिए। ज्यादातर लोग गलती कहाँ पे करते हैं, शुरुआत करते हैं लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, जब भी कोई बंदा आपसे पूछे या आप किसी बंदे को बता रहे हैं, सबसे पहले उसे बोलिए सर, या जैसे हम बोलते हैं आप जूम में आइए सर, जूम में बताते हैं, जूम में पर्पस समझाते हैं, या आप जूम पे बैठते हैं। जूम पे जब भी बैठे और जो प्लान भी दे रहा है ना, उसको भी मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को पहले वाई क्लियर करें कि वो इस सेशन में क्यों आए। आप में से कितने लोग हैं जो ये सेशन या फोर्सेज को ज्वाइन किए, कितने लोग हैं जो फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किए या मालूम है। अच्छा, मैं एक बार ना चैट बॉक्स में देखूंगा, कोई भी टाइप नहीं करेगा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने बंदे हैं जो इस सेशन में आए हैं या फोर्सेज में आए हैं, उनकी वाई क्लियर है कि मैं इसके लिए आया हूँ। तो आप मुझे अपने एक नीड बताइए, जरूरत बताइए कि आप क्यों आए हैं फोर्सेज में, क्यों ज्वाइन किए हैं फोर्सेज को। क्या आपके घर में पैसा जो है खुजली कर रहा था कि आपने दे दिया, या आपको लग रहा था यहाँ पे आएंगे तो बढ़िया बढ़िया लड़कियां भी आते हैं, उनसे मिलने का बात मिलेगा, या फिदा हुसैन जैसे स्मार्ट लड़के भी मिलेंगे, उसको बात करेंगे, या क्या वाई क्लियर है कि आपका रियल, बताएं आपके एक्चुअल सपने क्या है, रियल सपने क्या है, आप किसके लिए फोर्सेज ज्वाइन किए हैं, आप सच में टाइप करके बताइए। मैं एक बार आपके सपनों को जांचना चाहूंगा कि वो क्या फैक्ट है या सही है या गलत तरीके से है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ क्या लोग लोग क्या लिख रहे हैं। मनी फ्रीडम के लिए सीमा मैम, ठीक, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, अमित कुमार, दो लोगों का जो चैट मेरे को मैसेज मिला है, और बाकी लोग को नहीं पता कि वो क्यों आए हैं। आप जैसे ग्रेट लीडर से जान पहचान के लिए गुड। राकेश मीना जी, फाइनेंशियल फ्रीडम, लाखों पर्सन की हेल्प करना के लिए, और टाइप करते जाइए क्यों आए हैं, आप क्यों फोर्सेस ज्वाइन किए हैं, वाई बताइए मुझे। शायद चैट बॉक्स बंद है गुरुदेव, अगर आप चैट बॉक्स को ऑन कर दें, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो को-होस्ट ही कर पा रहे हैं, जस्ट 2 मिनट ऑन हो जा रहा है। लाइफ में मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड। 5 लाख कर्जा देना है, ठीक है डॉक्टर रविंद्र सर, ठीक है। और अच्छा, बहुत लोगों का रहा है, मुझे मेरा खुद का फ्लैट लेना है, माई फैमिली, ठीक है, BMW, मम्मी पापा को अचीव, ठीक, और फाइनेंशियल और मनी, बहुत सारा आ गया। आगे बढ़ने के लिए पीछे कौन ढकेल के बैठा है आपको, कहाँ तक आगे जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे। देखो आप लोग सभी लोग चैट पढ़ना, ठीक है, सबको पढ़ना है, ओनली लर्निंग के लिए, ठीक है। आप लर्निंग के लिए अगर जुड़े हैं तो आप मेरे ख्याल से यहाँ की अपेक्षा, मैं सोचता हूँ एक क्या वो कोचिंग सेंटर चले जाते, वो बढ़िया था, उसमें पैसा भी कम लगता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, 20 लाख, अपने मम्मी पापा को सपने को पूरा करने के लिए, ठीक। सच बात बताऊं, आप जो भी लिख रहे हैं ना, हवा हवाई बातें लिखे, बिल्कुल हवा हवाई बातें।
श्योर, मैं 7 बजे वाले सेशन भी क्या अभी भी क्या आपने वही कहा कि हमें मम्मी पापा को आगे लेके जाना है, मम्मी पापा को सपने पूरा करना है। आपको ये नहीं पता कि आपके मम्मी पापा सपने क्या देखे थे, आप पैदा भी नहीं हुए थे जब वो सपना देखते थे। सपने ना दोस्त 18 साल के नीचे देखा जाता है, उसके बाद सपने नहीं देख सकते, उसके बाद तो फिर बच्चों के लिए जीना पड़ता है, जैसा है वैसा है। सपने हम बचपन में होते हैं ना, जो छोटे बच्चे तो हमें सोचते हैं, बच्चों को पूछते हैं बेटा पढ़ लिख के क्या बनोगे, हम बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर। कोई बंदा ये नहीं बोलता मैं अपने पापा जैसे बनूंगा, सच बोल रहा हूँ। यहाँ से कोई भी बंदा बोल दे कि मैं अपने पापा जैसे बनूंगा, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी, कोई नहीं बोलता मैं अपने पापा की तरह बनूंगा। वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, कुछ भी बनूंगा। उसी प्रकार आज जो लोग हैं ना, जो लिख रहे हैं मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ, अरे मेरे दोस्त सपने क्या है पता है? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता ड्रीम क्या है, एक्चुअल ड्रीम क्या है पता है? एक बंदा जब ना भूखा मरता है तो उसके सपने होते हैं रोटी, उसके लिए BMW कार घर कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए रोटी इंपॉर्टेंट है। और वो भी रोटी ना जरूरी नहीं ताजा बना हो, वो केवल रोटी होना चाहिए, सूखा रोटी भी चलेगा, 2 दिन पुराना भी रोटी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर ना भूख है, उसके पेट में कुछ जाना चाहिए। उसी प्रकार आपके अंदर ना भूख होनी चाहिए, छोटी छोटी जो सपने है ना, छोटे छोटे जरूरत है उसे पहले पूरा करो, ये सच एक्चुअल जो है ना क्या बोलते हैं सपने हैं। किसी का घर जो है नॉर्मल है और बंदा कार लेने की सपने, मम्मी पापा के सपने पूरे करेंगे, मम्मी पापा के सपने आप क्या आपके पूरे खानदान में कोई पूरा नहीं करता, बल्कि हाँ माँ बाप ये जरूर बोल देते हैं कि मेरे बेटा ने मेरा सपना पूरा किया। मेरे भाई आप खुद सोचो, जो चीजें आप सोच सकते हैं ना आपके मम्मी पापा ने उसे कितने साल पुराना सोचे थे, वो पहले सोच के रखे थे, हम उसके पूरा नहीं कर सकते, कोशिश जरूर करते हैं, ठीक है। मम्मी पापा हमारे लिए क्या है हम कभी उसको नहीं पहचान पाएंगे, उतना उनके जो त्याग है ना वो कभी हमें महसूस नहीं हो पाएगा, वो इतना बड़ा त्याग करते हैं माँ बाप। माँ बाप बनोगे तब समझ में आएगा, मुझे भी समझ नहीं आया था, बाद में समझ आया जब मेरे 2 बच्चे हो गए कि बच्चे एक्चुअल में होते क्या। तो सपने क्या है, सपनों को पहले समझिए, आपके जो सपने फैक्ट नहीं है आप पहले फैक्ट को समझिए कि सच्चे में आप क्यों जुड़े हैं, ज्वाइन करें उसके पीछे रीजन क्या है, और सच्चे रीजन को आप जब कहेंगे तो आपके दिल से आवाज आएगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे ना वो केवल आपकी हवा हवाई बातें होगी, आपका दिल गवाही दे देगा ए झंडू आम है, कुछ नहीं है। सपने सच होते जब दिल से आवाज आती, अब उन सपनों को जब जिंदा करते हैं तो सामने वाला जो है कभी आपके साथ बॉक्स नहीं करता। अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सीमा मैम है, ठीक है, मुझे उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मुझे क्या बोलना होगा, मुझे 2 मिनट उससे मांगना होगा कि मैम अगर हम फिजिकल रूप से मीटिंग कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको बोले 2 मिनट चाहिए, मैं 2 मिनट में आपको पर्पस समझा दूंगा कि क्यों हम लोग ये मीटिंग किए हैं। आप चाहे किसी को अप्रोच भी करेंगे तो भी ये काम आएगा, और किसी से वो अगर पूछा होगा आपसे क्या है बिजनेस के बारे में तो भी आपको ये काम आएगा। 2 मिनट पहले मांगिए और 2 मिनट में वायर क्लियर कीजिए और उनको बोलिए मैम आप और हम सभी मेहनत करते हैं, या पहले तो हाय हेलो कर लेना, पूछे उससे हेलो हेलो मैम मैं डॉक्टर प्रेम देवांगन, मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ, अभी आप क्या करते हैं, हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं या क्या बोल सकते हैं कुछ जॉब वॉब करते हैं, उनको पर्पस पहले ले लीजिए और उस आधार पर बात करना होगा। पता चला अंबानी का बेटा है और तुम बोलोगे तुमको अगर घर लेना है तो आ जाओ मेरे साथ, वो बोलेगा बेटा तेरे पूरे गाँव को मैं ही बना दूंगा, समझ में आ रहा है। तो उससे इफेक्ट मालूम हो जाना चाहिए कि वो बंदे का कैपेसिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है, कितना अमीर और गरीब है, वो कितने चीजों को समझता है, उन चीजों को। तो वो बोलता है कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ या कोई काम करता हूँ, अब उस आधार पे बात करना। तो मैम मैं 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा, 2 मिनट में हम पर्पस क्लियर करेंगे कि आज हमने मीटिंग क्यों रखा। मैम आप और हम सब लोग मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि आज हमें हर चीज जो है जरूरत। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ तो नहीं, परंतु मैम मेरा कहना है कि पैसा हम आज जो भी चीज खरीदते हैं मैम उस पैसे के लिए है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पैसे से सपनों पैसे से हर चीज खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन हर चीज खरीदने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, समझ रहे हैं। वो चीजें उनको बताई तो बोले पैसे की अहमियत उसको समझा। उसके बाद बोलिए मैम आप और हम लोग ये चाहते हैं या सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा सा घर हो। अब पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए या उसको लिख के दिखाइए, हमें अच्छा सा घर चाहिए, हम चाहते हैं हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो,
सिक्योरिटी चाहते हैं कि कभी काल हमें कुछ हो जाए अचानक, अगर हम इस दुनिया में न रहे, हमारे परिवार को आर्थिक स्थिति से जो है नुकसान ना हो या आर्थिक स्थिति उनकी खराब ना हो, देश विदेश घूमना या तीर्थ वीर्थ जाना, कहीं घूमने फिरने का मन होता है। उसके अलावा चाहते हैं कर्ज मुक्त जीवन, मतलब आज लाखों करोड़ों लोग कर्जे में हैं और वो चाहता है कि कर्जा मत हो भैया, भले नून चटनी में खा लूं, साले का तगादा सुन सुन के परेशान हूं, कर्जा मत रहे, ठीक। उसके बाद बोलते हैं हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, ये चाहते हैं। ये मैं कुछ पॉइंट लिखा हूं जो है, मैं चाहता हूं आप इनमें से, वैसे तो सब चीज हम सबको चाहिए, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब उनसे पूछे कि उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप उसके इंपॉर्टेंट पूछेंगे ना, तो पता चलेगा, जैसे कौशल सर मुंह में हाथ डाल के देख रहे कि मेरे दांत में कुछ फंसा है, अभी इंपॉर्टेंट उसके लिए वो है, समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है क्योंकि ये फंसेगा ताले मेरा पूरा ध्यान इधर ही आएगा, तो इसको पहले निकाल के फेंको, उसी केटी पॉइंट को निकाल के फेंकना, सामने वाले की जो है ना वो आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, पहले आप उसकी वाई क्लियर कर दो। अब उसके क्या होगा, एक्चुअल चीजों को वो देखेगा कि अगर कर्जा है तो उसको लगेगा यार मेरा कर्जा है, मैं इसको बोल देता हूँ। अगर उसको लगे कि मेरे पास घर भी है यार, सब चीज है, कार नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा इच्छा है कि कार ले लूँ, कोई बोलता है मेरा घर छोटा है या अगर रेंट में है, वो कार की जगह क्या बोलेगा, मैं घर बनाना चाहता हूँ सर, मेरा छोटा सा घर, तो वो उन चीजों को च्वाइस करेगा कि ये चीज मुझे चाहिए, तो वो च्वाइस जिसको करेगा उस आधार पर आप बात करें, बोलेगा मुझे कार चाहिए। अब आप सोचें सर आपने इसी को क्यों चॉइस किया, मैम आपने इसी को चॉइस क्यों किया, तो फिर कारण बताएगा कि यार हम आते जाते हैं, हमारे पास कार नहीं है, बस में जाते हैं, धक्का खाते हैं, जो भी पसंद है। अब उसको बोलिए ठीक है, आज के डेट में मैम, या आप उससे पूछ सकते हैं कि कितने का आप कार खरीदना चाहते हैं, क्या बजट है, तो बजट बता दिए 10 लाख 20 लाख, जैसे हमारे गुरुदेव हैं क्रेटा खरीदे हैं 22 लाख का, ठीक है, तो वो पर्पस समझ में आ जाएगा 20 लाख। अब उनसे पूछिए कि 20 लाख का गाड़ी कार वो किस तरह के लोग जो है रख सकते हैं, चला सकते, हाथी खरीदना आसान है, उसे मेंटेन भी करना होता है, किस तरह के, तो बंदा बोलेगा भाई जिसका इनकम जो है 50 लाख, ये 50,000 1 लाख होगा, वही बंदा आज के डेट में कार मेंटेन कर सकता है, बाकी लोग तो नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब उससे पूछे कि मैम आप काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा होगा या कहीं धंधा पानी, आप अपना काम करते करते कितने साल में ये गाड़ी ले आ सकते, ये कार खरीद सकते हैं, तो बोलेगा फिर 5 साल 10 साल 15 साल। अब यहां पर आपके पॉइंट मिल गया, वो बोला 10 साल, तो आप उसको बताएं सर अगर मैं बोलूं कि ये गाड़ी आप 2 साल में ला सकते हैं तो कैसा रहेगा, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक रास्ते हैं जिसमें चलकर आप 2 साल में ये चीजें ला सकते हैं, वो बोलेगा बिल्कुल बताइए। अब वो ऑब्जेक्शन नहीं करा क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे गाड़ी चाहिए या मेरा 25 लाख का कर्जा है और मुझे चुकना है, उसके लिए मुझे इन्होंने कहा 2 साल, और कहा मुझे 10 साल लगता, 20 लाख 25 लाख के कर्जे चुकने में 2 साल लगे। तो अब वो ध्यान से सुनेगा बिजनेस को, अब उसको आपको क्या करना है, सही रूप से प्लान बताना। अब आएगा ऑब्जेक्शन हैंडल, चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ऑब्जेक्शन हैंडल के कुछ पॉइंट बता रहा हूं। मेरा आवाज अगर कहीं ब्रेक हो या कुछ भी हो तो आप मुझे बिल्कुल माइक ऑन करके जितने भी को होस्ट है वो बता सकते हैं। आवाज क्लियर है सर, बिल्कुल एकदम क्लियर। थैंक यू, आपका आवाज तो पूरा सर कोयल की तरह है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडल, ऑब्जेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, सामने वाला कुछ बोलता है तो आपके दिमाग में हिडन मीनिंग आना चाहिए। हिडन मीनिंग मतलब क्या है, जब कोई बंदा कुछ बोलता है ना तो वो आपको अपने प्रॉब्लम को आपके सामने रखता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को आपको बोलता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, किसी भी तरह का सवाल का जवाब देना है ना तो उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए, हमेशा उसको कोई भी बंदा कुछ भी बोले उसका ईगो हॉट नहीं होना चाहिए, उसको यह मत बोले अरे तू ऐसा कैसे बोल रहा है, तेरे पास 50,000 रुपए नहीं होगा, तेरे पास 10,000 रुपए नहीं होगा, अरे तेरे पास 2,000 नहीं होगा, अरे तेरे पास टाइम नहीं है, तो घर पे क्या पूछ के बताएगा, इस तरह की ईगो हॉट वाली बात नहीं बोलना। अगर वो बोलता है जो कुछ भी बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ भाई मुझे पता है, अगर बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, तो हाँ भाई ही पहले हाँ ही बोलना, ना नहीं बोलना, ना बोले तो चिड़ जाएगा वो, ना नहीं बोलना, हाँ बोलना, तो हाँ कैसे बोलना, जब भी किसी बोले उसको क्या करना है, फीलिंग करना है, फील करना है, महसूस करना, फेल करना, मुझे भी ऐसा लगा था, फाउंड करना, मुझे पता चला, मालूम कर, ये चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, ठीक है। और जैसे ये फीलिंग है, आपकी बात को मैं मानता हूं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ,
ये है उसको फिलिंग कराना। मतलब कोई भी बंदा ऑब्जेक्शन करता है तो उसे क्या करेंगे आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये बातें उसको फिलिंग कराना। जब आप उस इस तरह बोलते हैं तो सामने को लगता है अरे इसका सोच और मेरा सोच लगभग तय है या एक जैसे है, मतलब ये भी बंदा मेरी तरह है, तो उसको लगेगा मेरी तरह है तो यार मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, अपने जैसा वो आपको समझना शुरू करेगा। फिर उसको बताना है मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था, बिल्कुल मेरे मन में भी यही बात आई थी, मैं भी यही सोच रहा था, तो लगेगा अरे ये तो मेरी तरह सोच रहा है, मेरी तरह बोल रहा है। अब उसको बताइए कि आपने क्या पाया, तो उसको बताइए फोन करना है, फिर मैंने यह पाया, फिर मुझे ये पता चला, फिर मैंने ऐसा किया और मुझे ऐसा बताया गया और आज यहां तक मैं पहुंच गया। बस ये चीजें आपको उनको बोलना है, तब वो बंदा ध्यान से सुनेगा आपकी बातों को, फिर वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा ज्यादा। फिर देखो क्या कैसा है, जैसे एक बंदा बोलता है प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपको जिन लोगों से मिलवाऊंगा अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो क्या होगा, या मेरे से और भी लोग अगर ज्वाइन नहीं किए तब क्या होगा। अब ये इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है तो क्या बोलते हैं, अरे तू टेंशन मत ले, मैं जोड़ दूंगा। अब यहीं पे वो बंदे को जीते जी मार दिया आपने, जीते जी उसको मार दिया, क्योंकि वो बंदा को बोल दिया ना मैं जोड़ दूंगा, वो बंदा बोलेगा ठीक है चल ज्वाइन कर ले, है चाहे 4200 का पैकेज हो, 1700 का पैकेज, 15000 वो देगा और घर में जाकर से सोएगा, मेरे अब मेरे तो ज्वाइनिंग कर ले बैठे हैं लोग, मेरे को ज्वाइन किया ना उसकी जिम्मेदारी। अब वो बोलेगा फोन करके, ओ भाई मेरे नीचे कोई बंदा जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, इस तरह की बातें बोलेंगे ना तो यही होगा, लोग आपके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बोलेंगे यार तू तो बोला था ना मैं जोड़ दूंगा, मेरे से नहीं जुड़ा है तू ही जोड़ मेरे डाउन में, अब आपका नुकसान होगा वहां पे। तो आपको क्या बोलना है, इस तरह से बोलो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन मुझे एक बात बताइए आप इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपके ड्रीम बड़े हैं, तो एक बात मुझे बताइए कि आप जिन लोगों से मिलवाएंगे क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं होगी, क्या उनके सपने नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर, और जब हम उन्हें बताएंगे कि इस बिजनेस से कैसे वह अमीर बन सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है, तो वह भी आपके जैसा ही इस बिजनेस को करने के लिए डिसीजन लेगा। हम लोगों से बिना मिले बिना बात किए उनकी क्या राय है ये कैसे जान सकते हैं, ऐसे बोलिए, तब उसको लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल सर मैं अगर जुड़ रहा हूं तो मेरे लोग भी ज्वाइन करेंगे, ये है ऐसे जवाब देंगे तो बिल्कुल ज्वाइन करेगा। उसके बाद मेरे पास तो इस बिजनेस के लिए टाइम ही नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को कर सकता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बड़ा ध्यान से सुनना। ऐसे लोग कौन मिलेंगे पता है, जिनके पास पैसे भी नहीं और टाइम भी नहीं, कसम से बोलता हूँ वो लोग रियल में मर्द नहीं है, रियल में वो लीडर नहीं है, रियल में वो इंसान नहीं है। भाई या तो तेरे पास डट के पैसा होना चाहिए, टाइम नहीं है चलेगा, क्योंकि दिन भर उसका बड़ा बिजनेस है ना, चल रहा है पैसा आ रहा है एक तरफ और वो काम ऊपर काम लगा है तो वो सच बोल रहा है। अब उसके पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है तो झूठ बोलता है, तब आप उसको क्या बोलना, ऐसा गलत शब्द मत बोलना लेकिन आपको समझने के लिए बता दिया, तो उसको क्या बोलना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा था तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, हमारे पास टाइम का नहीं होना एक अचीवमेंट है या फेलियर है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस समय किसी के पास समय नहीं होता, भगवान ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया है, हमें समय को चुराना पड़ता है। इस 24 घंटे का उपयोग करके कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग यार जिंदगी में साधारण ही रह जाते। मुझे एक बात बताइए कि अगर यह बिजनेस हमें अच्छी इनकम दे सकता है, तो हमारे ड्रीम को पूरा कर सकता है, तो जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, तो क्या हम अपने फालतू का समय जो रील देखने में टाइम पास करने में जो लगाते हैं वह समय यहाँ नहीं लगाना चाहिए। उनसे पूछिए, यह होता है सवाल का जवाब सवाल से दीजिए, मजा आएगा। उनसे पूछिए क्या नहीं करना चाहिए क्या, बिल्कुल करेगा, बोलेगा बिल्कुल यार मैं अगर इतना समय आ रहा हूँ या मेरे पास टाइम है एक घंटा भी, बिल्कुल करूंगा अगर मेरे सपने पूरे हो रहे तो। अब आता है आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये बहुत सारे लोगों के पास आता है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये आप अगर सपने पूरा करने की बात करेंगे तो शायद ही कई लोग बोलेंगे पैसे नहीं है लेकिन करेंगे।
बहुत लोगों के पास नहीं है। अब उनको क्या बोलना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और सही बात है, यहाँ पर बैठे हुए 90% लोगों के पास पैसे नहीं थे जब इस बिजनेस को ज्वाइन की, क्योंकि मुझे मालूम है रियल इस बिजनेस में जो लोग आते हैं ना, नेटवर्क इंडस्ट्रीज में, वही लोग आते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास पैसे नहीं है। आज मुकेश अंबानी के बच्चे को जाओ प्लान दिखाने के लिए, वो कभी नहीं आएगा, बोलेगा साले तू जितने का प्लान लेके आया तेरी कंपनी को एक मिनट लगेगा मुझे खरीदने के लिए, वो ऐसा बोलेगा, क्योंकि उसके पैसे हैं। और रियल में जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम और आप लोग ना सर, कसम से आप में से किसी के पास ऐसे पैसे नहीं फरे होंगे। कुछ लोग होंगे जो जॉब वॉब में हैं, पैसे भी करके व्यवस्था, पर दिखने में वो भी वैसे ही ना, मिलने के लिए 50-60 हज़ार 80 हज़ार मिलता है भाई, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं, कर्जे में होते हैं, पैसा उनका भी नहीं बचता। तो आप उनको क्या बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और आपको इसलिए बिजनेस को दिखाया गया है क्योंकि आपको भी पैसे की जरूरत है। अगर हमारे पास पहले से करोड़ों रुपए होते, हम अरबपति होते, तो हमें ये बिजनेस करने की जरूरत होती क्या? मान लीजिए आज हमारे पास पैसे नहीं है और हमारे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, हम क्या कहेंगे? आज पैसे नहीं है भैया, मेरा हार्ट टूट गया, पैसे नहीं है डॉक्टर साहब, जब पैसा होगा तो इलाज कराऊंगा, ऐसा होता है? हमें कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, करेंगे है ना? अरे नहीं करेंगे, ऐसे पूछे उनसे, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए दोस्त कुछ थोड़ा बहुत तो अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। एक बार अपने दोस्त से मांग लीजिए, उसके बाद जिंदगी में कभी मांगना ना पड़े। जो है ये चीजें बता दीजिए कि आज एक बार अपने दोस्त या रिश्तेदार से एक बार मांग लीजिए, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से काम कीजिए, और दोबारा जिंदगी में कभी नहीं कहना पड़ेगा मेरे पास पैसे नहीं है। सच है ये बात। आज भी मैं ऐसे था कि एक समय था जब मैं बच्चे कुछ मांगते थे ना, तो रियल में मैं उसको बोलता था बेटा पैसा नहीं है। लेकिन आज मालूम है, मेरे बेटे को भी मालूम है, वो मेरा अकाउंट चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पापा के अकाउंट में भी पैसा है, डॉलर भी है। आजकल मेरा पैसा, बच्चे जो क्या बोलता है, पापा पापा हमें $1 चाहिए, $1 चाहिए। अच्छा पता है डॉलर मांगते हैं आजकल, मतलब उसको मालूम है कि 80-100 रुपए चाहिए तो उसको $1 मांगते हैं, आजकल डॉलर मांगना शुरू कर दिए हैं। तो ये चीजें हैं, तो आप उनको बताइए कि सर एक बार आपको कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर लाइफ में कभी नहीं। ठीक है, अब आएगा क्या, ऐसा करता हूं पहले 2-4 दोस्तों से बात कर लेता हूं, अगर वह तैयार हो जाता है तो मैं भी कर लूंगा। अच्छा, अब उसको किस तरह की बातें बोलना है, इस तरह, आप ठीक बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आया था, लेकिन आप मुझे बताइए क्या कभी दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढा जाता है? नहीं, दुकान खुलने के बाद ग्राहक खुद ब खुद आने लगते हैं। और दूसरी बात कि मान लेते हैं चलो कि मैंने आपके एक दो दोस्तों को यह बिजनेस बताया और वह भी यही बात बोले कि मैं भी आगे बात करके ज्वाइन करता हूं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करेंगे वही आपके लोग करेंगे। जब आपके दोस्त पूछेंगे क्या आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं किया, तो बोलेगा ठीक है मैं भी नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें उनको बताइए, जब इस तरह से बातें बोलते हैं तो बिल्कुल वो बंदा डिसीजन लेता है, यह मेरे लेवल का काम नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं या प्राइवेट सेक्टर के नौकर हैं, और ये झूठी मान सम्मान में तर बतर हैं, मान सम्मान, झूठी मान सम्मान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हम अधजल गगरी छलकत जाए बोलते हैं, आधा अधूरा ज्ञान और हद से ज्यादा ज्ञान वाले लोग ये यहाँ पे मिलेंगे। ये यार ये जो काम है बड़ा फालतू वाला काम है। और इसी बात को मैंने जयपुर में सर के गाड़ी के ऊपर खड़े होंगे बोला था, वीडियो है। ये लोग बोलते हैं जब फालतू का काम है, रियल दोस्त ये फालतू काम है, और इसी काम से करते हैं, अगर कार आता है ना तो मैं मालिक, मैं नौकर कभी नहीं बनूंगा, नौकर वाला डिग्री चाहिए, मैं बात बोला था। तो बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि ये हमारे लेवल काम नहीं है, फालतू लोग ये काम करते हैं, तो उसको बताना। क्या बोलना सर, आप बिल्कुल ठीक बोले। एक बार तो मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं ना, एक बार मुझे भी लगा था, लेकिन आपने सिस्टम में देखा कि कैसे नीचे से बिल्कुल शिखर पर पहुंच गए, कैसे लोग, देखो इस बिजनेस का पावर भी आपने देखा, कैसे लोग करोड़पति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कार में घूम रहे हैं, सेलिब्रिटी बन रहे हैं। असल मायने जो इस बिजनेस को करने वाले लोगों का लेवल बढ़ रहा है, इनके सामने हमारा और आपका तो कुछ भी लेवल नहीं है। ये चीजें दिखाइए ना, जब आप प्लान दिखाते ना तो उसमें अचीवमेंट दिखाइए। देखिए हमारे गुरुदेव का, देखा मैं जब बोल रहा था सर के गाड़ी में खड़े होके, लोग इतने सारे लोग जो है ना मुझे वीडियो शूटिंग कर रहे थे, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है, शायद कौन बनाया है याद नहीं आ रहा है, ठीक है, परमेश्वर सर के साथ, और लोगों उससे सेल्फी लेने के लिए मरते हैं। अब बताओ
लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, देखो आज इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं तो कुछ तो खास है भाई। वो बंदा अगर 20,000 का भी नौकरी या 50,000 का नौकरी कर रहे हैं, एक बार अपने जूम मीटिंग रख ले, 5 लोग आ जाए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो 1,000 लोगों का सेशन फुल हो जाता है सर, हम तो ज्वाइन नहीं कर पाए, सेशन तो फुल हो गया, ऐसा चलता है। और उसके में 5 बार भी बुलाएंगे ना तो लोग आते नहीं है, तो कई बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे लेवल का काम नहीं है, उसे आप इस तरह की बातें बोलिए, बिल्कुल वो आपके ध्यान से सुनेगा। इसके अलावा मैं अपने घर में पूछकर बताऊंगा तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, इसमें ज्यादातर लेडीज आ जाएंगे, ठीक है, या स्टूडेंट आ जाएंगे, ये ज्यादातर ऐसे ही बोलते हैं, मैं अपने घर से पूछकर बताऊंगा। तब आपको क्या बोलना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको मैंने 1 घंटे में इस बिजनेस को दिखाया है, सिस्टम को दिखाया है, इनकम प्रूफ दिखाया है, सक्सेसफुल लोगों को दिखाया है, तो क्या आप अपने घर वालों को यह सारा कुछ दिखा पाएंगे? आपने जो कुछ भी महसूस किया है, शब्द को ध्यान देना, महसूस किया है, वह सारा कुछ महसूस करा सकते हैं? जिस तरह 3 घंटे का फिल्म को 3 मिनट में महसूस नहीं कराया जा सकता, उसी तरह इस बिजनेस को आप कैसे महसूस करा सकते हैं? अच्छा तो यह रहेगा कि आप अपने घर वालों को हमसे मिला दे या मेरे से बात करा दे, एक बात बोलिए, हम आपके घर वालों को बताएंगे ये बिजनेस के बारे में, तब उसको इस तरह बोलेंगे तो वो ज्वाइन कर जाएगा, ठीक है, डिसीजन मेकर अगर वो नहीं है तो। अब यहाँ पर एक और आता है, इस काम में बहुत निगेटिव है, लोग करना नहीं चाहते, कंपनियां भाग जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि फोर्सेज एक कंपनी है, तब आप उसको एक बात बोलिए, आप बिल्कुल ठीक करें, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, निगेटिव 2 कारणों से आती है। पहला कारण तो यह कि कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी में जानकारी के अभाव कारण लोगों का नुकसान हुआ, मतलब वो लोगों को बता सकते हो कि आप फ्रॉड को कैसे पसंद कर सकते हो या पहचान सकते हो, जैसे कोई कंपनी में बोलता है कि मुझे इतना पैसा दे दो और हर दिन आपको इतना इतना पैसा मिलते रहेगा, तो वो क्या है, सेंट्रलाइज है, कंट्रोल है किसी का, तो उनको आप बता सकते हैं सर ये जो है डिसेंट्रलाइज ना है, ये सेंट्रलाइज है, लोग ऐसे वो कंट्रोल है तो फ्रॉड करेगा, हमारा तो डिसेंट्रलाइज है, 100% पैसा जो है विद इन सेकेंड बढ़ जाता है, कहीं बैंक बैलेंस नहीं हमारे में, तो वो चीजें देखें है ना, तो जानकारी का अभाव कारण लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन यह सिस्टम है जहां पैसा जमा नहीं होता बल्कि तत्काल वह हमारे बीच ही बढ़ जाता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जहां पैसा 1 सेकंड में मिल जाता है, साथ ही इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, यह सिस्टम किसी भी व्यक्ति या देश का अधिपत्य नहीं है, यानी इसे न बैन किया जा सकता है न बंद किया जा सकता है, कुछ भी नुकसान नहीं है। दूसरा कारण कि कुछ लोग निवेश के सिद्धांत को नहीं जानते और सुनी सुनाए अफवाह को फैलाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत है कि आपको निवेश के साथ काम भी करना होता है, दुनिया में कोई भी लोग अमीर और कामयाब बना है ना तो वह निवेश करके उस पर काम किया है, वो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, दुकानदारी हो या फिर खेती किसानी, मतलब लोग ये सोचते हैं ना पैसा जमा कर दो और कोई काम करना ना पड़े, गलत जगह पे है सर, काम करना पड़ता है, तो वो चीजें बताएंगे तो बंदा इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ जुड़ेगा भी और काम भी करेगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं जोड़ना शायद भूल गया था और वो मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को एक बात सच बताना, कितने लोग हैं जिनको आता है प्लान देखने के बाद मैं सोच कर बताऊंगा, कितने लोग हैं हैंड रेज करेंगे जिनको आता है ऑब्जेक्शन कि सोच कर बताऊंगा, दो सौ 42 लोगों में करीब 40-50 लोगों का हैंड रेज आया है, इतने लोगों को लोग बोलते हैं कि सोच कर बताऊंगा, बाकी लोग को नहीं बोलते, तो बाकी लोग तो प्रेजेंट भी नहीं करते होंगे ना, सोशल मीडिया मैसेज करते होंगे, अब जो काम ही नहीं करेगा उसको कहाँ से पसीना आएगा भाई, पसीना तो उसी को आता है जो काम करता है। हाँ कई लोग धूप में खड़े हो जाते हैं, वो बात अलग है, धूप में खड़े हो जाने का पसीना तो आएगा पर काला पड़ जाओगे, समझ गए, और इतने काला पड़ जाओगे कि आपके सामने विनोद मीना सर भी फैल हो जाएंगे, समझ में है। हाँ अगर सच में है, देखो अभी 100 लोगों का लगभग हैंड राइस आया, मैं बता रहा हूं, अगर कोई बंदा बोले मैं सोच कर बताऊंगा तो आप में से कितने लोग क्या बोलते हैं, एक बार आप लोग का मैं राय जानना चाहूंगा। सर मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ आज, ठीक है, 10:10 हुआ है, 5 मिनट और लूंगा, आप मुझे चैट करके बताएं आप क्या बोलते हैं, सोच कर बताऊंगा बोलते हैं तो। सर क्या सोचेंगे आप, सीमा मैम ठीक है, क्या सोचना है, हाँ सच है, क्या सोचोगे सर, ज्वाइन कर लो ना, सोचना क्यों है, कोई क्या है, दोबत है तो मुझे डायरेक्ट पूछिए, अच्छा कोई डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक ठीक हाँ, और
अगर ऐसा है सोचते रहा तुम फिर पूरी लाइफ निकल जाएगा, ठीक आधी से ज्यादा जिंदगी निकल दी सोचने में, और कब तक सोचोगे, ठीक और ठीक है अपडेट अपडेट कीजिए, ठीक है जो है सोचने वाले कभी कामयाब नहीं होते, ठीक। आप लोगों ने जितना भी लिखा बस बस बढ़िया किए, मैं आपको बोलूं ऐसा कभी नहीं बोलना भाई, सामने वाले की ईगो हर्ट हो जाएगा उसको बुरा लगेगा, और क्या सोचोगे, नहीं ऐसा नहीं बोलना, थोड़ा सा उसको क्या बोलना मैं बता रहा हूँ, अच्छा हैंड डाउन कर देता हूँ, अच्छा जो अच्छा लगेगा बताना है। सामने वाला बोलता है मैं सोचकर बताऊंगा, तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, बिल्कुल सर सोचना चाहिए, बिना सोचे नहीं करना चाहिए, अगर बिना सोचे करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जैसे बोले सर मैं सोचकर बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से आप शायद सोच नहीं पा रहे हैं, क्या मैं आपके सोचने में मदद कर दूं, क्या बोलेगा, बिल्कुल सर बताइए क्या है, तो वो क्या सोच रहा है उसको समझिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना सीखिए, वो क्या सोच रहे पता है, मुझे फायदा कितना होगा नुकसान, तो ये चीजें तो उसको बताइए सर। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचता है और अधिक सोचता है और ज्यादा सोचता है और केवल सोचते रह जाता है, दूसरा वो जो सोचता है और डिसीजन लेता है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग अपना डिसीजन नहीं लेते सोचते रहते हैं, उनका डिसीजन उनका जो फैसला है ना वो लोग लेते हैं, दुनिया लेती है, अब हमारे हालात लेते हैं, और हमारे हालात जब फैसला लेते हैं ना तो हमारे हिसाब से नहीं लेते, वो अपने हिसाब से लेते हैं। और दूसरे वो लोग जो अपना फैसला लेते हैं ना सर, वो रियल में कामयाब होते हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा सर, जो व्यक्ति सोचता है और सोच के क्या करता है फैसला लेता है, आज वही लोग सफल है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते, आप उनसे पूछो ना क्या समझदार व्यक्ति क्या करेगा सर, क्या केवल वो सोचेगा या सोच के डिसीजन लेगा, वो क्या बोलेगा, वो सामने वाला फंस गया बोल के ना, वो खुद भी बोलेगा यार समझदार व्यक्ति तो सोच के डिसीजन लेगा, ठीक। अब उसको बताइए, देखिए सर इस बिजनेस में हम आते हैं ना, मान लीजिए खुदा ना खास्ता दो चीजें मैं बता रहा हूँ, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा भाई, एक तो डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है, ये गलत आपको लगेगा यार मैं कहाँ कहाँ से इसके साथ ज्वाइन कर लिया, मैंने इतना पैसा लगा दिया मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक। तो पहला मैं आपको बताता हूँ सर, मान लीजिए आप कोई सा भी पैकेज लेते हैं, मैं सबसे छोटा वाला पैकेज उठा लेता हूँ, मान लीजिए आपने 42 का जो है ज्वाइनिंग लिया, और खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं किया, कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं किया, तो क्या होगा, कोई इनकम नहीं हुआ, कोई ये नहीं। मैं आपको बताऊं सर, आप 42 का ज्वाइनिंग करते हैं ना, और यहाँ पे इतना नॉलेज इतने टेक्नोलॉजी मिलता है, इतने लोगों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, और ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा ना, उसके सामने सर कुछ नहीं है। 4200 सर हमारे दोस्त या रिश्तेदार आते हैं ना, महीने में अगर हम 4 महीना उनके साथ पार्टी मना ले, 4200 रुपये कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा, 4200 रुपये के मैडम के लिए 4 साड़ी लेंगे ना सर वो पता नहीं चलेगा, 1000-1000 रुपये से नीचे तो आजकल साड़ी की बात नहीं होती, 1000-1500 से सोचिए सर पहन के 4 महीने हम फेंक देंगे सर। 4200 रुपये हम चाय डेली के सर 2 से 3 हाफ पीते ना, तो डेली के 100 रुपये चाय पीते हैं, महीने का 3000 रुपये चाय, 2 महीने में 6000 रुपये का चाय पीते हैं सर, पैसा खत्म। लेकिन यहाँ पर आप अगर इतने से ज्वाइनिंग करते हैं और आपके साथ 4 लोग 8 लोग आ भी जाते हैं ना, तो सर साल 2 साल 4 साल में आपने बताया सर आपको 10 लाख का 20 लाख का गाड़ी चाहिए, 2 साल में आप गाड़ी ला सकते हैं, 15,000 की ज्वाइनिंग, जो भी उसकी ज्वाइनिंग अमाउंट होगी, उस पॉइंट को पकड़ना, मैं यहाँ पे समझाने के लिए 42 बोल रहा हूँ, ठीक है। जो उसको आपको लग रहा है उस बंदे को कैटेगरी देख लेना, उसके स्टूडेंट है तो 42, अगर मान लो कोई जॉब पर्सन है तो नॉर्मल है 10-15-20 हजार वाला 77 का दे सकते हैं, अगर कोई अच्छा जॉब कर रहा है तो 15,000 का दे सकते हैं, कोई अच्छा प्रोफेशनल है तो 30,000 की आप दे सकते हैं। तो उस पे बोलिए कि सर इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके जो नीड है आपने जैसे बताया सर मुझे घर बनाना है, मात्र सर 30,000 रुपये की ज्वाइनिंग करके आप अपने घर को बना सकते हैं मात्र 2 साल के अंदर। तो वो तो एक तो अच्छा ही स्टार्टिंग करेंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, फिर भी ऑब्जेक्शन आए तो उसको बता सकते हैं कि सर यहाँ पर आपके वही 4200 रुपया आपको लाखों करोड़ रुपया दे सकता है। अब आप खुद सोचिए सर ये 4200 रुपया जाएगा, मैं आज नहीं कल कमा लूंगा सोचिएगा, लेकिन यही 4200 आपके लिए कहीं सर 4 लोगों की जिंदगी बदल, हो सकता है आपके जानकारी में 4 ऐसे लोग हो जिनके पास कर्जा हो, जो बंदा गरीब हो, अब उसका ऑब्जेक्शन बताओ, ए ऑप्शन बताओ
क्या क्या ऑप्शन है कि हो सकता है सर आपके जानकारी में चार लोग होंगे जिनके पास घर ना हो, किराए घर में रहते होंगे, उनको बताएंगे वो घर खरीद सकता है। हो सकता है कोई बंदा कर्जे में हो सर, आपके माध्यम से कर्जा चुकेगा तो उससे भी। अगर मान लीजिए सर आपके नॉलेज में पांच बंदे हैं और पांच बंदे का 25 लाख का भी कर्जा है ना सर, वो 25 लाख का कर्जा चुकाएगा तो 25 लाख आपको देगा, और पांच बंदे 25-25 देंगे तो पांच कितना बोले, 5×5=125 है ना, 1,25,00,000 आपको कमा के देगा। अब डिसीजन यही है सर आपका, फैसला ऑन द स्पॉट, आप हाँ और ना मुझे बता सकते हैं। फिर भी सर आप चाहते और सोचना तो सर मैं आपको जो है, हम ज्यादा किसी कॉल नहीं करते, हम एक ही बार कॉल करते हैं क्योंकि जिंदगी आपकी है, फैसला आप लीजिए एक ही बार में। मैं कल सुबह आपको सर एक बार कॉल करूंगा, आप फोन उठा लेते हैं तो भी ओके है, और फोन नहीं उठाते हैं तो भी ओके सर, मैं आपको ना ही मानूंगा, दोबारा मेरी तरफ से कोई कॉल नहीं, बिल्कुल हाय हेलो नमस्ते समझ गए, और चुपचाप उठे और चलते बनते हैं, क्योंकि वहां पर उसका ना हाय हुजरी करने की जरूरत नहीं है, उसको करना होगा तो आपने पूरी बातें खरा खराब समझा दिया, वो झक मार के 10 बजे सुबह आपको फोन करेगा सर मेरा आईडी बना दो, क्योंकि उसको समझ में आया। और कहीं आपको हुजरी करे बैठे रहे ना और समझे ठला बनिया सारी कब भागे यहां से, ऐसा लगेगा 2 मिनट में जो आपकी बात पूरी हुई, चाय भी नहीं पीना है, जयराम जी के सर कल आएंगे फिर पियेंगे जब आप डिसीजन लेंगे तो, ठीक है हाय हेलो कर वहां से उठो। अब बताइए ये जवाब सही रहा या नहीं रहा, कितने लोगों को लगा कि ये जवाब ही सही है, हैंड राइज करके देखना चाहूंगा कितने लोग चाहते हैं कि यही जवाब सही है, सोच कर बताऊंगा, बिल्कुल सोचने दीजिए उसको, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको हाँ हानि और लाभ दोनों समझाइए वहां पे बैठ के। बंदा सोचता क्या पता है, उसको लगता है अगर मैं ज्वाइन कर लिया तो नुकसान हो जाएगा, हो सकता है मैं ज्वाइन कर, तो उसके बातों को आप एक्सप्लेन करके बताइए सर आपको नुकसान कितना होगा, भाई होगा तो इतना ही होगा सर, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो हम नुकसान करके बैठे हैं, इससे ज्यादा नुकसान करके बैठे हैं, लेकिन मिलेगा तो क्या मिलेगा, पूरी जिंदगी 360 डिग्री बदल जाएगी, अमीर और कामयाब बन सकते हैं आप, लोग आपको जानना चाहेंगे, आप कल तक मुझे कोई नहीं जानता था, 227 लोग जानते हैं, मेरे रिश्तेदार को अगर मैं शादी के लिए बुलाऊं तो 227 लोग बुलाने के लिए भाई मुझे कम से कम 4 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, उसको खर्चा पानी मुझे तो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ा, 227 लोग मेरे मेहमान बन के मुझे सुन रहे हैं। अच्छा 227 लोग आएंगे ना वो मुझे सुनेंगे नहीं, उल्टा सुना के जाएंगे, मेरे घर खाएंगे भी और मुझे ही सुना के जाएंगे कि बेटा अभी ऐसा है तू ये क्या कर रहा है, बढ़िया अभी या तू अपना हॉस्पिटल खोल ले, थोड़ा कोर्स कर ले और बड़ा कर ले, ये कर, मुझे सुना के जाएंगे, मालूम है राय दे के जाएंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को बताने जाते हैं कुछ सुन के आते हैं, लोगों को मोटिवेट करके आते जाने मोटिवेट करने के लिए जाते हैं और खुद मोटिवेट होके आ जाते हैं, निगेटिव होके आ जाते हैं। तो दोस्त आपके पास ये फार्मूला है, बिल्कुल अपनाइए, यही मेरा सेशन था आज, मैंने इतना ही दिया, मेरे से जाने अनजाने में कोई जानकारी में गलती हो तो बिल्कुल मुझे क्षमा करें, और अगर आपको लगता है कि यह सेशन है बिल्कुल इसको बार 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 प्रयास करेंगे तो जल्दी होगा, जैसे मैंने अभी बताया तो थोड़ा समय ज्यादा लगा क्योंकि समझाते हुए, आप जब शुरू में ये शब्द बोलेंगे थोड़ा हिचकिचाहट होगी, 10-15 मिनट लगेगा, फिर धीरे 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 स्पीड काम चलते जाएगा। तो थैंक यू ऑल लीडर, आपने मुझे सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे ग्रेट गुरुदेव परमेश्वर सर का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, सैंडी सर हैं, पूरे मेरे टीम हैं, आज के बहुत सारे लीडर मेरे टीम में, आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 28,000-30,000 इनकम किए हैं, उन सभी को मेरा बधाई भी, आप सभी जिन्होंने आज इनकम किया उसको भी बधाई, आप लोग मुझे झेले इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये कब भागे कब एक सेशन खत्म करे, तो बिल्कुल समय आ चुका है। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू गुरुदेव, अगर मेरा आवाज आ रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यू करें सेशन को। कोई भी को-होस्ट हो वो इस सेशन को कंटिन्यू करे, मेघराज सर। ओके थैंक यू सो मच प्रेम सर, रियली आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, जो मार्केट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं आज का सेशन बहुत ही माउंड ब्लोइंग रहा सर, जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं अवेलेबल हैं, जिसने भी नोट्स बनाए हैं एक बार नोट्स कितने लोगों ने बनाए हैं हैंड राइज करिए प्लीज। माही त्रिपुरा बस ओके वाओ ग्रेट तो सब सभी लीडर्स अपना हैंड रेस करके प्रेम सर का थैंक यू करिए, या फिर सेट बॉक्स अगर अवेलेबल है तो सेट बॉक्स में जाके आप प्रेम सर का थैंक यू करिए। आज का सेशन आपको मार्केट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं जब आप प्रोस्पेक्ट को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको
कांटेक्ट करके प्लान बता कि फॉलोअप लेते टाइम बोले तो जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, ये बिजनेस फ्रॉड है, स्कैम है, राइट। जितने भी आपके जो ऑब्जेक्शन आते हैं, सवाल जवाब आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं सर ने इन डिटेल्स में वर्ड टू वर्ड और जितना भी मार्केट के अंदर मेन मेन जो पॉइंट है वो सर ने बताए हैं कि आपको आगे वाला प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलने वाला है, पैसे नहीं है, घर घर वालों को पूछ के बताऊंगा या फिर जो भी है। तो जो इतने नोट्स बनाए हैं इनको नोट्स बना के या फिर नोटबुक में सिर्फ लिख के नहीं रखना है, राइट। इसको एक दो बार और देखिए, देन इस पे काम करिए, इम्प्लीमेंट करिए। सर ने जो बताया है इस पे इम्प्लीमेंट करिए, सर ने जो चीजें बताई हैं आपको अब करना क्या है, बेसिक पे ही काम करना है। प्लान दिखाने के लिए अपना मीटिंग रहता है टीम ग्लोबल का 8 बजे का, अगर उसमें आपका प्रोस्पेक्ट नहीं आ पाता है तो आप या तो यूट्यूब का लिंक सेंड कर सकते हो या फिर आप पर्सनल भी अपना PDF के माध्यम से प्लान दे सकते हो। देन जब आप फॉलो अप लेते हो उस टाइम ये सारी चीजें आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। आप और भी आपको अगर आपको सारी चीजें अगर बेहतरीन आती है तो आप अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हो और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस सर ने जो बताया है इस सेशन के अंदर जितनी जानकारी दी है और भी एड ऑन करके बेहतरीन तरीके से आप फॉलो अप ले सकते हो और अपना बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो मेरी तरफ से भी थैंक यू सो मच प्रेम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज का सेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कंडक्ट किया। अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेम सर। और सो हमारे बीच बहुत सारे को-होस्ट हैं, इनको हम चुनना चाहेंगे। आज का सेशन को कैसा लगा, इनका एक्सपीरियंस थोड़ा अपन जानना चाहेंगे। तो हमारे बीच यहाँ पे बहुत ही जानदार शानदार जबरदस्त लीडर हैं, पुखराज जी राजस्थान से हैं। हार्डली मोस्ट वेलकम मिस्टर पुखराज जी। ओके, मैं ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूंगा, अगर हेलो हाँ ओवर टू यू सर, हेलो अपन कंटिन्यू करिए। सर, आवाज हाँ आ जी रही हाँ मेरी जी प्रॉपर? हाँ आ हाँ आ जी जी थैंक यू आवाज आ सर, रही है सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज सच में प्रेम सर ने इतना जबरदस्त जो है लाइव दिखाया हुआ है और बताया भी अच्छे से है। तो जैसे आज का टॉपिक था फॉरसेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि काफी लीडर्स को मालूम है कि आज के टाइम पे अगर कोई झूठ बोलता है या कोई मतलब किसी को कुछ भी बोलता है तो आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, कोई भी आदमी कुछ भी किसी से कुछ झूठ नहीं बोल सकता है ना। तो बहुत से यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेंगे आप लोगों को, है ना, तो उसमें खुद लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कब से कितना इनकम कमाया है। और फिर ये तो एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और जबकि फोर्सेज का, गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि फोर्सेज का आपने गूगल पे जाना है, ठीक है, वहां पे लिखना है forsage.io। उसके बाद में आप जाकर के फोर्सेज की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी चेक कर लें। वहां पे साफ लिखा होता है कि 100% ऑनलाइन, देयर आर नो हिडन कॉस्ट और सर्विस फीस, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ हिंदी में। इसमें 100% ऑनलाइन है, कोई छिपी हुई लागत या सेवा शुल्क नहीं है, ठीक है। फोर्सेज में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बैलेंस हमेशा शून्य रहता है। अब गाइस जैसे जो लोग कहते हैं कि फोर्सेज जो है स्कैम करेगी या कुछ करेगी, गाइस लोग आप लोग ये पता है, जैसे जो लोग ज्वाइन किए हैं काम कर रहे हैं उनको पता है। और यकीन मानो मेरा तो यही कहना है कि सिर्फ आप लोग ऐसे बिलीव नहीं करना चाहिए किसी को, ना ब्लेम करना चाहिए किसी कंपनी को, किसी को भी। मेरा कहना ये होता है कि किसी चीज को कहने से पहले उस चीज को समझो, ठीक है। और यकीन मानो मैं कहता हूं कि आप जब एक बार फोर्सेज को समझ लोगे ना, एक बार समझ लोगे ना, तो 100% आप पहले तो ज्वाइन हो गए, उसके बाद में आप खुद लोगों को बताओगे। क्योंकि फोर्सेज में जैसे लोग कहते हैं कि स्कैम करेगा या ऐसा कुछ, तो आप लोगों से मैं खुद क्वेश्चन लेता हूं। आप लोग ये बताओ फोर्सेज को मिलता क्या है? फोर्सेज टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और जिसके अंदर पे आउट यानी कि सेकेंड सेकेंड में पे आउट है और आपका इंस्टेंट आपके अकाउंट में बैलेंस जाता है। जब फोर्सेज खुद कहता है कि कोई भी फीस नहीं लेता है, जो भी पेमेंट आता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपके वॉलेट में जाता है, जैसे कि आपका जो डिजिटल वॉलेट है, ठीक है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। तो जो ट्रस्ट वॉलेट है वो समझ लो थर्ड थर्ड एप्लीकेशन है और फोर्सेज एक अलग है। जिस चीज का हम वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, इंस्टेंट पेमेंट अगर हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे
पॉकेट में हमारे पर्स में आता हो तो वो बंदा अगर स्कैम कैसे कर सकता है। ये टोटल सिस्टम ये जब तक चलने वाला है जब तक पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम ही ऐसा है कि ये स्कैम नहीं कर सकता, है ना। जिन लोगों को अगर समझ नहीं है और लोग कहते हैं किसी से कि सर ये स्कैम कर जाएगा ये कर जाएगा, उससे ये पूछो स्कैम कर जाएगा ये लेके क्या जाएगा हमारे पास से, कितने लीडर्स काम कर रहे हैं सब कुछ ये कर रहे हैं, कि कोई भी लीडर्स ऐसा बताए कि हमारा $1 भी फोर्सेज के अंदर कहीं ब्लॉक हो। जब $1 फीस नहीं लेता है फोर्सेज, कहीं पे कुछ ब्लॉक नहीं होता है उसके अंदर, है ना, तो आप गाइस ये बताएं कि ये कैसे स्कैम करेगा। ठीक है, आप लोग खुद जाकर के आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां ट्रस्ट वॉलेट को सर्च करें। 2017 में तुम्हारा ट्रस्ट वॉलेट जो है आया था, वॉलेट बहुत से वॉलेट आए थे और बहुत से वॉलेट मतलब जो है जिसमें ट्रस्ट वॉलेट सबसे ज्यादा सक्सेस है, कामयाब भी है, और बाकी बहुत से बड़ी एक्सचेंज है, सारी एक्सचेंज है वॉलेट है। और फोर्सेज आपका आया है 2020 में, जिसको अभी 3 साल हो चुके हैं, 3 साल एवोव होने वाले हैं, है ना, जब से अच्छे से वर्क कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में वर्क कर रहा है। अभी कोई ऐसा बिजनेस किसी के पास नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में वर्क करता हो। फर्स्ट एक ऐसा बिजनेस है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा भी सिस्टम आएगा जो पूरे वर्ल्ड में वर्क करेगा और पूरे वर्ल्ड में लोग कमा रहे हैं। आप जा करके फोर्सेज में, ठीक है, आप लाइव चेक कर सकते हैं। आप लोग ज्वाइन ना हो, आप खाली गूगल पे जाएं, लिखें forset.io, उसको सर्च करें, उसके बाद में देखें नीचे लिस्ट चल रही होगी, हर एक मिनट में हर एक सेकेंड में ज्वाइनिंगें चल रही हैं लोगों की, स्लॉट अपग्रेड कर रहे हैं। आप जाके किसी एक पर्सन पे क्लिक करके आप चेक करें, सिर्फ एक पर्सन पे जाके क्लिक करें, आप उसकी ज्वाइनिंग देखें कब की थी उसने, उसका प्रॉफिट देखें। तो गाइस आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग पहले चीज को समझें, ठीक है, समझ के और उसके बाद में डिसीजन लें, है ना। तो फोर्सेज एकदम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और शायद अभी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना तो इंस्टेंट आपको पेमेंट देता हो। और इसमें टाइम टू टाइम मैंने खुद देखा है, जानने वालों को मेरे हैं, वो सिर्फ 15 महीने में 2.5 लाख पौने $3 लाख कमाया है। तो हमारे जैसे प्रेम सर जैसे कहते हैं ना वो मेरे करोड़पतियों, तो वो गलत नहीं कहते हैं। अब जिस बंदे के पास जो बंदे काम कर रहे हैं, ये भी नहीं कहो कोई मेन बंदा हो, 12-15 महीने पहले बंदे ने ज्वाइन किया था वो भी हमारे जैसे आम ही आदमी था। अभी आप सोचो कि जिसने 2.5-3 करोड़ कमा लिया अभी उसकी लाइफ क्या थी और क्या हो गई। तो बस आप लोग मेहनत करें, मेहनत करेंगे तभी इसका आगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत की बात ऐसी होती है कि जैसे हम छोटे होते हैं बचपन में होते हैं, तो मैंने शायद अपनी टीम से ही सीखा है ये, मैंने किसी मीटिंग में ये बात सीखी थी जो सर बता रहे थे, ग्लोबल टीम में सर बता रहे थे कि जैसे हम छोटे होते हैं जब, तो क्या होता है मेरे माँ बाप क्या करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। जब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे चलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, और जब हम लोग थोड़ा सा चलने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर हम आगे आगे होते हैं और पापा पीछे पीछे होते हैं। ठीक है, तो फोर्सेज का भी ऐसा ही सिस्टम है कि आप लोग गाइस काम करें, टीम में लोगों को लाएं, आप ज्वाइनिंग कराएं। यकीन मानिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जब आप ज्वाइनिंग आगे दे देंगे लोग वर्क कर लेंगे, लोगों को इतना इतना मतलब प्रॉफिट आएगा और अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात है जहां से पैसा आता है तो हर किसी को आदमी मेहनत करता है। ठीक है, जो प्रॉफिट आपका आएगा गाइस, तो आप लोग यकीन मानो खुद आप लोग खुद उस चीज को जो है ना पूरा टाइम दोगे, मेहनत करोगे, वर्क करोगे, क्योंकि जब पैसा आएगा जाहिर सी बात है फिर 100% आदमी जो है उस वर्क पे लग जाता है। तो मेरा इतना ही कहना था सर, और थैंक यू सर आपने बहुत मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर वकील खान सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बहुत बेहतरीन चीजें और एड ऑन करी इस सेशन को, और बेहतरीन आपने बनाया। तो अगेन थैंक यू सो मच मिस्टर वकील खान सर। नेक्स्ट में हमारे बीच एक बहुत ही बेहतरीन लीडर अवेलेबल है जो बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। मैम है हमारे बीच सीमा जेसवार मैम। मैम अगर आप अवेलेबल है तो ओवर टू यू, आपका स्वागत है। सीमा जेसवाल मैम अगर आप इस सेशन में अवेलेबल हैं तो स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। तो सबसे पहले थैंक करूंगी मैं प्रेम सर का, जिन्होंने सेशन बहुत अच्छे से डिलीवर किया। इसी चीज हमने पहले से भी सीखा था, बट कहीं ना कहीं हम इस चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे थे अपने बिजनेस में। और जितना ही प्रेम सर ने अभी जितना भी बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये मार्केट में हम फेस करते हैं, बट कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया कि हम कैसे उस पर हैंडल करें। तो बहुत शानदार तरीके से सर ने अब PDF के थ्रू सर ने समझाया कि हम जो मार्केट में क्वेश्चन आते हैं, और ये बात सच है कि मार्केट में सारे सवाल आते हैं,
जिसको हम फेस नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लगता है लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है पूछ के बताऊंगा, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ हमने खुद लाइफ फेस किया, जो मैंने खुद लाइफ फेस किया है। तो आज जो चीजों से मेरा आज जो मीटिंग आज हुई अभी, इस मीटिंग के बेस से मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, जितने मेरे टीम मेंबर्स से बैठे आई होप उनका भी क्लियर हो चुका रहेगा। और अगेन मैं थैंक यू करूंगी प्रेम सर का जो सेशन को डिलीवर किए, और अगेन मैं कहूंगी परमेश्वर सर जो मुझे सेशन का लिंक दिए थे, सो थैंक यू सो मच ऑल द ग्रेट जितने मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं। सो सर सेशन कंटिन्यू करिए सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ बहुत बेहतरीन लीडर हैं, और जितने भी लीडर्स हमारे साथ अभी तक बने रहे बिल्कुल आप बने रहिए, हर एक पोस्ट से आपको कुछ ना कुछ एक यूनिक लाइन या यूनिक पॉइंट जरूर सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा कि वो और इस सेशन के अंदर आप कैसे बोले तो फील फेल फाउंड का जो टॉपिक आज का जो सेशन का है, ठीक है, इसको बेहतरीन कैसे आप बना सकते हो, या फिर आप इससे और ज्यादा आप बेहतरीन कैसे जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। बने रहिए लास्ट तक, आज का सेशन प्रेम सर ने बहुत बेहतरीन बनाया, जो दिया है कंडक्ट किया है, बहुत शानदार जानदार और चार चांद लगा दी है आज के सेशन में। तो आप और भी हमारे साथ काफी सारे कोच थे, तो वो भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एड ऑन कर रहे हैं, तो आप लास्ट तक बनी रहिएगा, राइट। आप इस सेशन से शायद तक लेफ्ट करके या तो सोने की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है आपको किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करनी हो, या फिर और भी काम करना हो, लेकिन 5 से 10 मिनट बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारे साथ बहुत शानदार जबरदस्त सुजीत मोहित सैनी जी, मिस्टर मोहित सैनी जी अगर आप अवेलेबल है तो ओवर टू यू, अनम्यूट कर सकते हैं आप, पोस्ट भी है। स्वागत है मिस्टर मोहित सैनी जी, ओके अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट में आपसे बहुत शानदार जबरदस्त लीडर है फिदा हुसैन जी, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर अगर आप अवेलेबल है तो बोलना। ओके थैंक यू सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया इतने बड़े मंच पर। तो आज का जो सेशन रहा बहुत ही पावरफुल रहा, और मेरे को बहुत यूनिक बातें सीखने को मिली। और लीडर्स मैं आपको यही बताना चाहूंगा, क्योंकि सीखेंगे तो 100% आने वाले टाइम में अच्छा वर्क यहाँ पे करेंगे, और मिलकर अच्छा बस करते रहेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो डॉक्टर प्रेम सिंह ने आज जो यूनिट छोटी छोटी बताई, क्योंकि मैं भी पहले नहीं लिखता था, बट आज की डेट में जो मैं लिख पा रहा हूँ, लिखकर जो मैं यहाँ पे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं अपनी बातों को, मेरी अपलाइन मिस माही मैम, मैं उनकी बातों को स्टार्टिंग में बहुत ही इग्नोर करता था, क्यों मैं अपने आपको धोखा दे रहा था, ठीक है लीडर। और बट आज के टाइम में मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, और परमेश्वर की वजह से हम इनको अपनी कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम अच्छा ग्रोथ करेंगे। और वो बहुत ही अच्छा लगा सर आज का, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और भी यहाँ पे कोर्स है, ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट और भी हमारे साथ बहुत सारे कोर्स थे, लेकिन मैं एक लीडर को और इन्वाइट करना चाहूंगा, जो इस सेशन को और बेहतरीन बना सके। हमारे साथ बहुत शानदार जानदार जबरदस्त लीडर हैं, मनु शर्मा जी, काफी दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं, मोस्ट वेलकम मिस्टर मनु शर्मा जी। ओके आई थिंक मनु शर्मा जी सेशन में अवेलेबल ही नहीं है। असल ही हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन शानदार जानदार लीडर हैं, हरदा मोहन सर अगर आप अवेलेबल हैं तो सेशन में मुझे दिख नहीं रहे हैं, आपने जो मुझे मंच पे बोलने का मौका दिया, और डॉक्टर साहब का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मैं काफी समय से सर 8:50 का सेशन ले रहा हूँ 20 का, और काफी समय से हर जगह सेशन ले रहा हूँ, लेकिन सर ये इतने डीपली तरीके से आपने एक पोस्ट के माध्यम से, और हमें सभी लोगों को जहां तक जिन जिन लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिए होंगे, यदि उनने यदि फिजिकली यदि होंगे मीटिंग में, तो 101% यहां से रिजल्ट मिलेगा सर। यदि इनकी यदि आप सर ने 100% में दिया है, यदि हमें एज ए 50% भी इस पर काम कर गए, तो सर हमारे बिल्कुल रिजल्ट मिलने वाले सर। मैं इसको बिल्कुल अपने जो कर रहा हूँ मैं कर ही रहा हूँ सर, और इसे और एड ऑन करूंगा सर, बहुत कुछ यहाँ पर मुझे शानदार रिजल्ट मिलेंगे सर। और मैं सर बहुत ही सर मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा मेरी तरफ सर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर, जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसे सर फोर्सेस का ऐप भी मालूम नहीं होगा शायद, लेकिन हमें इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है, बात करना है उसे, वो इतने लेवल से जाए कि उसी को समझ में आना नहीं चाह रहा, सोच रहा हो उसे वो सोचने मजबूर हो जाए।
थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और डॉक्टर साहब एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू विनोद मीना सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने भी अपनी जानकारी दी। एक लीडर को लास्ट में और मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, देन हैंड ओवर सर को करना चाहूंगा। अनिल सिंह जी हैं एमपी से, बहुत शानदार लीडर हैं। अगर अनिल सिंह जी अगर आप अवेलेबल है तो वेलकम है आपका सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आज इतनी जबरदस्त जानकारी हमारे प्रेम सर के द्वारा दी गई। वास्तव में आज अगर जिस जिसने भी नोट किए हो या फिर रिकॉर्डिंग की हो या फिर अच्छे से सुना भी हो, लेकिन सुनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सुनी हुई चीज बहुत जल्दी डिलीट हो जाती है। अगर जिसने भी नोट डाउन किया है या फिर रिकॉर्डिंग करके उसको दो चार बार सुन लेता है तो ये मान के चलिए कि चार चांद लगने वाले हैं बिजनेस में। तो प्रेम सर का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि उन्होंने आज इतनी जबरदस्त की जानकारी हम सबको दी, जिससे कि आज फील्ड में ये सारे क्वेश्चन जितने जेन्युइन क्वेश्चन थे, जेन्युइन ही है, ये हर एक लीडर के पास ये क्वेश्चन आते हैं। आप कहीं भी चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप जाकर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इस यही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और आज इनका बिल्कुल सटीक और शुद्ध जो है ना आज आंसर आपको मिला है। और फील्डफेल्ड फाउंड का भी सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से आज हम सबको बताया, तो बहुत ही दिल मजा आ गया आज की मीटिंग में, जबरदस्त रही आज की। तो पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से प्रेम सर को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, इसी तरह की जानकारी आप देते रहें। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। ओके प्रेम सर, ओके थैंक यू मिस्टर अनिल सर। प्रेम सर कुछ आप बताना चाह रहे हैं? जी वेलकम सर। हाँ मैं चाह रहा हूँ जो भी बंदा जो है नोट डाउन नहीं कर पाया है, अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो अपने अपलाइन के माध्यम से मेरा पीडीएफ ले सकते हैं, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग नोट डाउन करो, ठीक। और आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आज रियल में पता चल जाएगा कितने लोगों को अच्छा लगा। अभी भी 144 बंदे हैं, कल हम इसे 300 से 500 लोगों का गैदरिंग करना चाहेंगे, मजा आएगा, सीखेंगे ना, जितना ज्यादा अपने लोगों को सिखाएंगे उतना ही ज्यादा हमारे लोग जो है सीख के मेहनत करेंगे, मार्केट में काम करेंगे, तो हमारे लिए ही प्लस पॉइंट है, ये बिजनेस है सीखने और सिखाने का। कुछ लोग हैंड राइज कर रहे हैं, शांतिलाल जी उनको भी मौका दें सुने, क्योंकि जिनको जाना है वो तो जा ही रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो लोग बने हो उनको उनकी बातें जरूर पूरा सुने। थैंक यू ऑल लीडर। ये चैंपियन मैं तो अगेन प्रेम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। रियल जो आज का जो ट्रेनिंग सेशन मिला है, मुझे पता है करीबन मैंने आज से ठीक 3-4 साल पहले ये सेशन जो फील्डफेल्ड फाउंड का है, दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में करीबन 1500 रुपए का टिकट लेके दीप्यक बजाज सर जो हैं उनका कहने के मैंने ट्रेनिंग सेशन लिया था 2 दिन का 1500 रुपए दे के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है, इतनी बेहतरीन बेहतरीन आपको टेक्निक्स मिल रही है अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो आप देख सकते हो आपको क्या क्या मिल रहा है इस सेशन के माध्यम से, हमारे बीच कितने बेहतरीन बेहतरीन लीडर हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपना टाइम दिया है, बहुत सारी चीजें त्याग करी हैं, तब जाके ये चीजें उन लोगों ने सीखी हैं और वो अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो उनको आप बिल्कुल ही अनयूजफुल मत समझिए, उनको जो भी आप अपने को यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रहे हैं उनको आप बिल्कुल ही सीरियस लीजिए, और जो भी यहाँ पे सीखते हैं राइट उसको नोट डाउन करिए प्रॉपर, उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ के अंदर, तभी जाके वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देगा। अदरवाइज यहाँ पे सेशन में आ जाते हो, आज परमेश्वर सर ने बोल दिया है, थोड़ा आपके अपलाइन सीनियर लोगों ने बोला है कि आपको सेशन में आना है, एंड तक बने रहना है, तो हो सकता है आप एंड तक बने भी रहे, लेकिन आपको डेली हैबिट्स बनाना है, आपको डेली सेशन में आना है, लास्ट तक बने रहना है। अगर आप जैसा करोगे वैसा का वैसा अपने टीम लीडर्स अपने बिजनेस पार्टनर्स करेंगे, राइट। तो अगर और किसी व्यक्ति को कोई अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई जानकारी देनी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो हार्डली मोस्ट वेलकम है। मैं 2 मिनट और इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा, बाकी टाइम बहुत ओवर चुका है। ओके आई थिंक किसी का अमित कुमार जी ऑलरेडी आपको होस्ट हो, स्वागत है सर आपका। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। शांतिलाल चौहान सर, मेरी वाइस आ रही सर? हाँ जी जी क्लियर है सर। चलिए सो थैंक्स, आपने मुझे सर बोलने का मौका दिया, और
सबसे बड़ा वाला धन्यवाद तो बोलना चाहूंगा डॉक्टर प्रेम सर का। वाकई में ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से किस तरीके से किस टाइप के ऑब्जेक्शंस आते हैं हमारे बिजनेस में और किस तरीके से उसको हम बहुत ही स्मूथली ठीक है आंसर देके और हम क्लोजिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। डियर आर्टिस्ट, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने सेशन लिया है और वाकई में मैंने स्क्रीन शॉट भी लिया है और डायरी में भी कुछ मेन मेन पॉइंट मेंशन किया है। बट डॉक्टर प्रेम सर ने हम सभी को पूरी अच्छे तरीके से 100% पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आगे आए हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड करने का पूरी तरीके से उन्होंने कमिटमेंट किया है। गाइस तो देखिए क्या है, लीडर्स में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हर एक लीडर ठीक है निस्वार्थ भाव से फोरसाथ के अंदर मैंने यही देखा है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। गाइस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारे इस बिजनेस के अंदर ये है डियर ऑल कि बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक लीडर सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। इट डजंट मैटर आप उसके टीम से हैं या नहीं है, बट क्या हो अच्छे तरीके से उसी तरीके से बिहेवियर को अपनाते हैं जिस तरीके से वो अपने हर एक बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं। गाइस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ट्रेनिंग सेशन को अगर आप हल्के मिलिए तो समझ लीजिए बिजनेस आपको हल्के मिलेगा। गाइस देखिए क्या है, ट्रेनिंग सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अभी क्या है अपने इस ट्रेनिंग सेशन में अपने पूरे टीम के साथ गाइस अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लोग होंगे मेरे टीम से फिलहाल, और मैं पिछले कुछ दिन से अपने ट्रेनिंग सेशन को पोस्टपोन किया हूँ। ठीक है 9:30 बजे में से ट्रेनिंग सेशन देता हूँ अपने टीम को गाइस इस 7 डेज की सीरीज से। ठीक है बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे टीम को एक नया वे मिला है बिजनेस को बिल्डअप करने का और उसको हम अपनाने वाले हैं। ठीक है सो बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हमने क्लियर किया। सो यही कहना चाहूंगा लीडर्स, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और अपने बिजनेस को 10x की तरफ लेके जाना है। ठीक है अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ठीक है और शिद्दत से अगर आप जो भी चीजें बताई जाती हैं गाइस उसको फॉलो करते हो, मैं बता रहा हूँ गारंटी देता हूँ काम पेपर पे लिखा लो बिजनेस ना ग्रो हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने सेशन लिया और आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों ने समझा होगा। गाइस यही सारी चीजें हमने क्या किया, गाइस जब मैं स्टार्ट किया था बिजनेस को तो 2 महीने बाद अप्लाइंग छोड़ के भाग गए गाइस है ना, लेकिन क्या है यही ट्रेनिंग सेशन के दम पे ठीक है पूरा का पूरा बिजनेस हमने किया है डियर ऑल। और पूरी तरीके से वही है ना कि व्हाई अगर क्लियर है, मिशन अगर आपका क्लियर है गाइस तो जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे ना वो बहुत ही छोटे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो है भाई बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है तो जो भी चैलेंजेस आएंगे वो बड़े छोटे नजर आएंगे। गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर सर हमको गाइड करते हैं। ठीक है और परमेश्वर सर के बारे में अगर मैं बात करूँ बहुत ही जबरदस्त के लीडर हैं और हम सभी के यूथ आइकान है और बहुत ही अच्छे तरीके से सर अचीवमेंट ले रहे हैं और उनकी हर एक बातों को फॉलो मैं भी करता हूँ। ठीक है तो यही मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करिए डियर ऑल और बिल्कुल बहाने साइटिस की जो बीमारी है ना इसको आप 2023 के अंदर बिल्कुल डिक्शनरी से डिलीट कर दीजिए अगर आप 2023 के अंदर अपने इतिहास भूगोल को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही सर और बहुत बहुत धन्यवाद शांतिलाल चौहान सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच मिस्टर अमित कुमार जी, आपने बहुत सारी चीजें अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। तो देखिए दोस्तों लोगों की लाइफ के अंदर कैसी कैसा बोले तो बदलाव हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है इस ट्रेनिंग सेशन की बदौलत। तो आप भी इस बिजनेस को बहुत बेहतरीन कर सकते हो, अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बस आपको पता है कि हर एक चीज के अंदर अपने को अगर ग्रो करना है, बड़ा करना है तो अपने को उसके प्रति या उस बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर हर एक चीज का अपने को हर एक बारीकी से अपन को अगर उस चीज को अपन जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस को अपन बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इस बिजनेस को अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करना है तो ट्रेनिंग मीटिंग जो होते हैं उनको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, हर एक सेशन के अंदर आप आ सकते हैं और यहाँ पे जो सिखाई जाती है उनको सीख करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो चलिए आज जी मुकेश दनेलिया सर को एक बार मौका देते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर मुकेश सर। ओके ओके हेनरी सर, कितना समय हो गया तो 2 मिनट और सर।
सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकाल करके। सर नमस्कार सबको। सर जी नमस्कार। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है सर, आ रही है। सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर प्रेम सर को। सर कुछ दिन पहले हमारी प्रेम सर से बात हो रही थी और उनने मेरे को यही चीजें समझाई थी, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तो आज जस्ट सर मेरे को $125 की इनकम हुई, आज मेरी ज्वाइनिंग लगी सर, एक क्लोजिंग और डन हो गई है सर मेरी। जैसे ही अभी सर सैलरी आती है तो अभी पेमेंट जैसे ही आ जाएगा लोगों का जो है एक क्लोजिंग का, और तत्काल मेरी सर $125 की फिर से इनकम होगी सर। तो थैंक यू सो मच सर प्रेम सर, आपने बहुत अच्छी प्रकार से आप हम लोगों को समझाया था सर, थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू मुकेश जी। और अगर किसी लीडर का कोई भी अगर क्वेश्चन से और कोई बताना चाहता है तो स्वागत है, बाकी मैं सेशन को एंड करता हूं। प्रेम सर अब तो लगभग किसी का नहीं है। सो अगेन डॉक्टर प्रेम सर आपका दिल से धन्यवाद, और आप जैसे लीडर हमारे बीच है तो रियल बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। और ये का ये जो ट्रेनिंग सेशन एक दिन बहुत बड़ा सपना है कि बड़े मंच पे हम बोले तो होंगे, और वहां पे प्रेम सर डॉक्टर प्रेम सर को 1,500, 2,000, 5,000 लोग डॉक्टर प्रेम सर की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। तो ये ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रेम सर एंड एवरीवन, आप लास्ट तक सेशन में बने रहे। सो मिलते हैं कल और एक नए सेशन में और एक नए ट्रेनर के साथ। सो अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एंड वेरी गुड नाइट एवरीवन।